हेलो जी जी रफीक स्पीकिंग। खान इंडस्ट्रीज और आपकी कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए जमीन पे खड़े रहकर आसमान की तरफ उंगली ना उठाए और जो क्लेम किया उसे वापस कर ले। मिस्टर अमर ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए इस क्लेम में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। तो न्यूट्रल ना रहिए, हमारे साथ मिल जाइए, डबल फायदा होगा। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अगर मेहर ने केस वापस ना लिया तो उनके साथ साथ आपकी फैमिली की इज्जत और बिजनेस दोनों दांव पे लग जाए। जरा सोचिए, आपका इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी भतीजी और उसके वकील को रोक लीजिए, वरना उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझिएगा। हेलो हेलो तमाशा बना दिया है हमारा, ना खुद सुकून से रहती हो और ना हमें रहने देती हो। अब क्या किया है मैंने चाचा जान? कुछ अंदाजा है तुम्हें? वकार अहमद खान को नोटिस भेजकर कितनी बड़ी हिमाकत की है तुमने? हक है मेरा और इस बात को मैं जरूर साबित करूंगी। हक बस कर दो मेहर, किस किस से लोगी तुम अपना हक? पहले तुमने भाई साहब को इमोशनली ट्रैप करके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और अब जबरदस्ती वकार अहमद खान की बेटी बनने पे तुली हुई हो तुम। तुम्हारी वजह से शहरोज ने पार्टनरशिप खत्म कर दी है, मार्केट में मजाक बन गया है हमारा, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खालू जान, ये तो तैमूर को भी मुझसे छीनना चाहती है, इसी की वजह से रामी आंटी ने भी मुझ पे हाथ उठाया। अरे भाई, जब इस घर ने इसे कबूल कर ही लिया तो वकार अहमद खान की जायदाद पे क्यों नजर जमाई बैठी है? मैं चली क्यों नहीं जाती तुम यहां से, छोड़ क्यों नहीं देती तुम हमें? कब तक मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से सैक्रिफाइस करेंगे? अहमद ने धमकी दी है, 2 दिन के अंदर अगर केस वापस ना लिया तो हम दीवार के साथ लग जाएंगे, हमारी जान माल और इज्जत सब खतरे में। सिर्फ धमकी दे रहा है वो आपको, क्योंकि उसके दिल में चोर है। फारिस कर लेगा बात। शट अप मैन। फारिस अमलिया को तो मैं खुद देख लूंगा, सारे फसाद की जड़ यही दोनों है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने खालू जान, असल में तो ना सारी मुसीबत की जड़ मलिहा पप्पू है, उन्होंने तो इसको लादा हमारे सर के ऊपर। 3-3 खानदान मुश्किल में इस लड़की की वजह से। अब नहीं रहेंगे, शफीक भाई को कोई ना कोई फैसला जरूर करना होगा। से ना सही लेकिन जबान से बड़ा करारा थप्पड़ मारा तुम्हें खालू जान ने।